was built to last. With the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, now my foot on the gas, never stop competing. इस क्वेश्चन में आपके पास जो रिएजेंट दिया गया है दैट इम्प्लाइज कि ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा थ्रू रेडिकल मेकानिज्म. रिएजेंट आपके पास क्या गिवन है? ट्राइब्यूटाइल, तीन ब्यूटाइल ग्रुप है, टिन हाइड्राइड. जो टिन का यानी कि SN का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यानी कि मेटल के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दैट इज वेरी वेरी वीक बॉन्ड. साथ में जो है C4H9, यहाँ पे भी C4H9, यहाँ पे भी C4H9. अब इस वीक बॉन्ड की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ H nu यानी कि लाइट ये रेडिकलाइज होके रहता है. कैसे? SN साथ में तीन ब्यूटाइल ग्रुप, ये एक रेडिकल बनेगा और साथ में एक H रेडिकल जनरेट होगा. इस जेनरेशन प्रोसेस का यूज हम कहां पे करेंगे? सपोज आपके पास एक एल्किल हैलाइड है, सपोज RX. X क्या है? लिविंग ग्रुप. क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन इस जैसा. अगर Bu3SNH इसके साथ आप रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. यहां पे एक रेडिकल है, यहां पे एक रेडिकल है, दो रेडिकल जनरेट हुआ, ये एक रेडिकल और ये एक रेडिकल जनरेट हुआ. नाउ H रेडिकल यहां पे अटैक करेगा, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा. तो फाइनली वी विल गेट RH. ये क्या है? एक एल्केन हमको मिल गया और साथ में क्या मिलेगा? Bu3SNX. अब ये जो SNX बॉन्ड है, SNX जो बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन SNH बॉन्ड. तो ये क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया. तो इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं एल्किल हैलाइड से एल्किन प्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है? ये जो Bu3SN डॉट और H डॉट रेडिकल है, इसका जेनरेशन का रेट इज वेरी लो इन नॉर्मल कंडीशन. इसीलिए हमको एक प्रोमोटर चाहिए होता है. प्रोमोटर के तौर पे हम यूज करते हैं AIBN, जिसका फुल फॉर्म है एजोबिस आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल. फॉर्मूला क्या है इसका और ये कैसे प्रोमोट करता है रेडिकल जनरेशन? इट लुक्स लाइक दिस. बीच में जो नाइट्रोजन है ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप काम करता है एंड अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये रेडिकल आपको टू स्टॉइशियोमेट्री में मिल जाएगा. साथ में रहेगा नाइट्रोजन. अब ये जो प्रोमोटिंग रेडिकल जनरेट हुआ इसका काम क्या है? CN ये Bu3SNH के साथ रिएक्शन करेगा लाइक दिस. ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा एंड फाइनली वी विल गेट दिस कंपाउंड एंड दिस रेडिकल. अब हम मेन रिएक्शन पे आते हैं. जो सबस्ट्रेट आपके पास दिया गया है वो सबस्ट्रेट में एक लिविंग ग्रुप है दैट इज Br और एक डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे. तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड दिस Bu3SNH AIBN रेडिकल प्रोमोटर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इन द फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप देखो कौन कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है. मैं उसको अलग कलर से दिखाता हूं. जो भी बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, दिस इज ब्रोमीन एंड दिस इज पाई बॉन्ड. ये कैसे ब्रेक होगा? एज रेडिकल, तो ऐसे और ये ऐसे. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आया ये कंपाउंड जहां पे ये एक रेडिकल, यहां पे एक रेडिकल और यहां पे एक रेडिकल. अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? ऊपर से होगा या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नीचे से होगा? आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे जो CO बॉन्ड है वो नीचे के तरफ से है. मतलब ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी ऑलरेडी ऊपर के तरफ है और ये जो एंटिटी है ये नीचे के तरफ है. सो दिस इज अपर साइड, दिस इज लोअर साइड. तो रेडिकल भी एग्जैक्टली वैसे ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी कि रेडिकल भी ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द फाइनल आंसर स्टीरियोकेमिस्ट्री राइट. तो हमको ये कंपाउंड मिल गया, इसको हम ऐसे दिखाते हैं. बस याद रखेंगे कि ये नीचे से कनेक्ट हुआ है, ठीक है. अब बचा हुआ है हमारे पास एक रेडिकल और ये है 2 डिग्री रेडिकल.
टू डिग्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबिलाइज करने के लिए हम थ्री डिग्री रेडिकल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, या तो इस बॉन्ड को क्लीव करना होगा या तो फिर इस बॉन्ड को क्लीव करना होगा। हम इस रास्ते का नाम देंगे पाथवे ए और इस रास्ते का नाम देंगे पाथवे बी। तो देखते हैं पाथवे ए में क्या होगा। बॉन्ड अगर क्लीव होता है तो रेडिकल क्या जनरेट होगा, रेडिकल कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, यहाँ पे एक डॉट और यहाँ पे एक डॉट। तो पाथवे ए से जो कंपाउंड बनेगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन तो सेम रहेगा, यहाँ पे जो भी था वही रहेगा। राइट हैंड साइड में क्या हो गया, सेवन मेंबर्ड रिंग हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रिंग जनरेट हो गया। और डबल बॉन्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। बाकी एज इट इज जो था आप उसको लिख सकते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ऊपर के साइड में और एक रेडिकल कहाँ पे बचा, एग्जैक्टली इसी पोजिशन में एक रेडिकल बचा जो कि मीडियम में जो H रेडिकल है Bu3SN और H रेडिकल मीडियम में है उस एक H रेडिकल के साथ रिएक्शन करके हमको फाइनली ये प्रोडक्ट देगा। बट दिस इज ए प्रोडक्ट जहां पे आपके पास सेवन मेंबर्ड रिंग है। ओके, सेवन मेंबर्ड रिंग इज नॉट दैट मच स्टेबल। देखते हैं पाथवे बी में हमारे पास क्या था। पाथवे बी क्या था, पाथवे बी में हम अलग जगह से ब्रेक कर रहे थे। आप इस ब्लू कलर को देखो, इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर दे तो हमारे पास रेडिकल क्या जनरेट होगा, ये CO2ET के बीच में और एक बॉन्ड है, ये एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे CO2ET है। तो इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर दे तो हमारे पास रेडिकल जनरेट होगा लाइक दिस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, बाकी CO2ET। अब यहाँ पे एक स्टीरियो केमिस्ट्री आप देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे है, ऊपर के साइड में है, दिस इज लाइक दिस, और साथ में यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है ये भी ऊपर के साइड में है। तो रेडिकलाइज होने के बाद CO2ET कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। तो CO2ET का पोजिशन आप याद रखना, ऐसा पोजिशन होगा CO2ET का, ठीक है। अब क्या होगा, जो रेडिकल फॉर्मेशन हुआ वो एक डबल बॉन्ड जनरेट करेगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, इस जगह पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके एक डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया और यहाँ पे जो रेडिकल है वो मीडियम में प्रेजेंट एक एच रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो पाथवे बी से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे ये जो सिक्स मेंबर्ड रिंग था ये भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, बस डबल बॉन्ड का पोजिशन चेंज हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर, नीचे मैंने कहा था कि इस टाइप से आएगा CO2ET का स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऊपर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिक्स मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे क्या था, सेवन मेंबर्ड रिंग था विच इज नॉट स्टेबल। तो आंसर में जो चार ऑप्शन है उनमें से दो ऑप्शन में आपको ये सेवन मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगा जिसको आप कैंसिल कर दोगे, और बाकी दो ऑप्शन में सिक्स मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगा लेकिन वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री एक जगह पे कुछ इस तरीके से है, हाइड्रोजन जिस तरफ है उसी तरफ CO2ET को दिखाया गया है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस, ये आपको मिलेगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, दिस विल बी राइट ऑप्शन।